अपने चैनल को पेड मोनेटाइजेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा सलूशन बताता हूं दोस्तों, कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बहुत से चैनल ऐसे होते हैं जो कि पेड मोनेटाइजेशन करते हैं चैनल को, तो आपको कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखे दोगे दोस्तों। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे ये यूट्यूब मोनेटाइजेशन का करते हैं बहुत सारे चैनल, जो कि 15, 20, 25, 30 रखे रहते हैं लैपटॉप और मोबाइल वगैरह, वो क्या करते हैं पेड प्रमोशन करवाते हैं। जैसे बहुत सारे चैनल को बोलते हैं, ऑफर देते हैं कि 50 रुपये में 100 रुपये में हम आपका आपके चैनल को मोनेटाइज कर देंगे, बट वो क्या होता है कि 50 रुपये जो होता है वो सर्विस चार्ज होता है दोस्तों। जब आप मोनेटाइजेशन अपने चैनल को कराने जाएंगे तो उसका अलग ही चार्ज होता है। बोलते हैं कि नहीं ये तो सर्विस चार्ज था, अभी आपका इतना, अगर 100 आवर कंप्लीट कर लिया अभी आपका इतना है, तो उसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है दोस्तों। अगर आप भी कराना चाहेंगे तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल ऐसे ऑफर देते हैं, बट वो आपको 8-10 हज़ार रुपये ले लेंगे और कोई फायदा भी नहीं होगा। साथ में प्रमोशन करवाने से आपको फायदा क्या होगा? कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पेड प्रमोशन से क्या होता है, ना ही आपका सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और ना ही आपका व्यूज बढ़ेंगे। अगर आप नया कंटेंट बनाते हैं तो आपके व्यूज वगैरह नहीं बढ़ेंगे। होगा क्या कि वो आपसे बोलेंगे कि आप घंटे दो घंटे के एक वीडियो बना दीजिए और वो अपने 30-40 कंप्यूटर में या 15-20 कंप्यूटर में चला देंगे 1 घंटे 2 घंटे, और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपके सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे नहीं, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, बट जब चैनल पर वीडियो डालेंगे तो जब आपके चैनल पर व्यूज नहीं आएगा तो पैसे कमाएंगे कहाँ से? 10-15-20 हज़ार रुपये लगा दिए इसमें, इसी में बहुत से लोग का पैसे करप्ट हो जाते हैं और वो थक के ऑटोमेटिक वीडियो छोड़ देते। तो हमको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप जो भी चैनल बनाए हुए हैं, जो भी कंटेंट डाल रहे हैं, कंटिन्यू कंटेंट डाले दोस्तों। आप पेड प्रमोशन के चक्कर में कभी ना पड़े, नहीं आपका पैसा पूरा नुकसान चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा और जाते जाते आप थक जाएंगे, बोलेंगे यूट्यूब हम चला ही नहीं सकते, यूट्यूब के अच्छे फेमस आप यूट्यूबर बन ही नहीं सकते, ऐसा मन में हो जाता है। तो कभी भी आप पेड प्रमोशन के चक्कर में ना पड़े दोस्तों। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि पेड प्रमोशन का ऑफर देते हैं और वो पहले 40-50 रुपये आपको सर्विस चार्ज ले लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इतना नहीं इतना लगेगा, और बहुत सारे ऐसे होते हैं। आप चाहिए तो ट्राई करके भी देख सकते हैं, बहुत सारे नंबर वगैरह रहते हैं, वो बोलेंगे पहले आप सर्विस चार्ज दे दीजिए, फिर आपके चैनल को चेक करेंगे क्या है क्राइटेरिया, कितने में आपका अमाउंट जाएगा, उसके बाद वो आपको पैसे बताएंगे दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों, अगर हम अपना अपने चैनल को के पे मेहनत करके, कंटिन्यू मेहनत करके वीडियो बना के अगर अपने चैनल पर डालते हैं और व्यूज़ आते हैं, साथ में सब्सक्राइबर आते हैं, तो होता क्या है कि हमारे जो वीडियो चलते हैं, जो हम अपने चैनल पर वीडियो डालते हैं, उससे जो सब्सक्राइबर आते हैं वो उनके लाइक वीडियो होता है, वो वीडियो देखते हैं, व्यूज़ आता है, व्यूज़ से क्या होता है हमको पैसे मिलते हैं दोस्तों। तो आपसे यही कहना होगा दोस्तों कि पेड प्रमोशन के चक्कर में कभी ना पड़े और अपना वीडियो अच्छे से डालें और मेहनत करके आप अपने चैनल को मोनेटाइज करें। उससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी और साथ में पैसे भी बढ़ेंगे और अच्छे यूट्यूबर भी बनेंगे इन फ्यूचर दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा और पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।